हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चीज़ी गार्लिक नान घर पे तवे पे। ये नीचे से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लगता है। आप इसको एक बार घर में बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा बना था। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हम ऐसे कप से 2 कप मैदा ले लेंगे, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ले लेंगे, 1 बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे, 1 छोटा चम्मच यीस्ट पाउडर ले लेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक ले लेंगे, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ले लेंगे, 1 बड़ा चम्मच शुगर का लेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। हम इसको गूंथ लेंगे। हम इसको रोटी के आटे के जैसा नहीं गूंथेंगे, जो हम नॉर्मल घर में बनाते हैं उससे थोड़ा टाइट गूंथेंगे। जब आप इसको घर में बनाने लगेंगे तो आपको रेस्टोरेंट का नान भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है। आप इसको आलू के साथ, पनीर के साथ, चिकन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं। ये उतना ही मज़ेदार लगता है। आटा अब गूंथ चुका है। हम इसको 1 मिनट तक और हाथों से रगड़ेंगे ताकि इसके अंदर कुछ गुठलियां ना रहें। एक चम्मच हाथों पे तेल लेंगे और आटे के ऊपर लगा देंगे, जिससे इस पे पपड़ी नहीं पड़ेगी। अब कवर करके इसको 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। 1 कप बड़े पानी में देखिए इतना पानी बच गया है। एक घंटे बाद हम महीन कुटा हुआ लहसुन लेंगे, काली मिर्च का पाउडर लेंगे और इन दोनों चीजों को चीज के साथ मिक्स कर लेंगे। चीज ठंडी होनी चाहिए। 1 घंटे बाद ही आप फ्रिज में से निकालें जब आपको यूज करना है। इसको पहले बना के ना रखें वरना ये मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और चीज़ भी बिल्कुल अलग अलग है। हमें ऐसा ही चाहिए। आटा अब तैयार हो चुका है। हम इसको हाथों से थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसकी लोइयां बना लेंगे। आपको जिस साइज का नान चाहिए उस साइज की लोइयां बनाएं। मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ। आप इसको अंदर की तरफ ऐसे दबा के फोल्ड करें ताकि इसमें लाइनिंग ना हो। अगर लाइनिंग होगी तो वहां से सारी चीज बाहर आ जाएगी। हमने इसी तरीके से सारे बना लिए हैं। हम इसमें से 1 लोई निकाल लेंगे जिसका नान बनाना है। बाकी सारे को गीले कपड़े से कवर करके साइड में रख देंगे। चाहे तो इसे हाथ से दबा के या बेलन की मदद से इसे छोटा सा रोटी जैसा बेल लें। अब इस पे मिक्स किया हुआ चीज डालेंगे। मैं 2 चम्मच डाल रही, आप 2.5 या 3 कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे वरना ये फट जाएगा। अब चारों साइड से उठा के हम इसको ऊपर की तरफ बंद कर लेंगे। ध्यान से बंद करें, कोई छेद वगैरह ना रहे। अब हम इसको दोनों साइड से मैदा लगाएंगे और हाथों की मदद से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। एक टूथपिक की मदद से हम इसमें 2-3 छोटे छोटे छेद कर देंगे, जिससे अंदर की हवा जो है वो बाहर निकल आए और चीज अच्छे से सेट हो जाए।
छोटे छोटे छेदों से डरे नहीं, जब हम नान बेलना शुरू करेंगे तो वो छेद अपने आप बंद हो जाएंगे। आप नान को किसी भी साइज, किसी भी शेप का बेल सकते हैं। वैसे नान थोड़ी लंबी ही अच्छी लगती है। अब हम तिल के कुछ दाने डालेंगे और बेलन से एक बार और बेल लेंगे, जिससे ये तिल सेट हो जाएगा। अब तिल वाले साइड को हम नीचे कर देंगे और दूसरे साइड हम हल्का सा बेल करके पानी लगा लेंगे। इस पानी वाली साइड को ही हम तवे के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हम नॉनस्टिक तवा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोहे के तवे का इस्तेमाल करेंगे। अगर नॉनस्टिक होगा तो हमारी नान नीचे गिर जाएगी। ये देखिए, मैंने पानी वाली साइड को तवे के ऊपर डाला है, तिल वाली साइड ऊपर है। आंच को मीडियम टू हाई रखेंगे और नान को ऊपर से फूलने का इंतजार करेंगे। ये देखिए, अब फूलना शुरू हो गया है। अब हम तवे को उल्टा करके तेज आंच पे नान को सेक लेंगे। चारों तरफ से घुमा घुमा के अच्छे से सेक लें, जिससे नान कहीं से कच्ची ना रहे। यहाँ पे थोड़ी कच्ची दिख रही है, हम यहाँ पे और सेक लेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस पे चाहें तो बटर लगा के सर्व कर सकते हैं। ये मुश्किल से 2 मिनट में तैयार होती है। ये टिक्के के साथ में बहुत ज़बरदस्त की लगती है।